प्राचा साहब वहां गेट पर मौजूद है। जिस वकील का फीस 5-10 लाख रुपए हो, वो जहाज से जा रहा है, जहाज से आ रहा है, न फीस ले रहा है न किराया ले रहा है। भैया आप कैसा वकील चाहिए आपको? वकीलों के विषय में तो लोगों के मन में बहुत सारी बातें आती है कि लूट लेता है, चूस लेता है, ये ना बातें। लेकिन ऐसा भी वकील है भाई जो आपके लिए समर्पित है, अपना सब कुछ निछावर कर रहा है। तो आप देखें, इंजीनियर ऐसा भी है जो मोरबी का पुल गिरा देता है, और इंजीनियर ऐसा भी है, इंजीनियर डीसी कपिल, जो हजारों लोगों के घरों के चूल्हों को जला देता है और गरीब बच्चों के पेट में अनाज पहुंचा देता है अपने संघर्षों से, अपने क्या कहते हैं मेहनत से। तो ऐसे लोग हैं, आपको ये समझना होगा कि एक तराजू में आप सबको नहीं तोड़ सकते। इन्हीं सब बातों को आपके समक्ष रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है कि आपसे कुछ लिया जाए या आपको कुछ दिया जाए, बल्कि वास्तविकता और हकीकत यह है कि आपको बताना है असल मकसद कि आप सावधान और सचेत हो जाएं, अपने और पराये की पहचान कर लें, कौन आपका अपना है कौन पराया है, ये अगर आप नहीं पहचानेंगे तो धोखा खा जाएंगे। इस धोखे से बचने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। और चूंकि यह आयोजन सुंदर नगरी में है और सुंदर नगरी का नाम बड़ा ही सुंदर है, कहा जाता है यहाँ के लोग भी बड़े सुंदर है, इसीलिए तो सुंदर नगर इसको कहा गया, सुंदर नगरी। तो मैं समझता हूँ कि सुंदर नगरी के लोग कम से कम सुंदर बातों को सुंदरता से ग्रहण करेंगे और अपने उन तमाम भाइयों तक पहुंचाएंगे जो किसी कारणवश इस सभा में आज नहीं आ पाए। अभी आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है स्ट्रीट वेंडर का, हॉकर्स कानून बचाओ। क्यों भैया, हॉकर्स के लिए 72-75 साल हो गए, अब तक हॉकर्स के लिए आपने कोई कानून नहीं बनाया। जिस देश में लाखों लोग सड़क पर अपनी आजीविका तलाशने निकलते हैं, जिस देश में लाखों लोग सब्जी रेड़ी पटरी जल्दी बल्ली जूता चप्पल और क्या कहते हैं कपड़े सड़क पर बेचते हैं, जो शोरूम नहीं चला सकते क्या वो अपने बाल बच्चे को नहीं चला सकते क्या? जो शोरूम नहीं खरीद सकते क्या वो अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद सकते क्या? तो ये अधिकार की लड़ाई है जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, जो हमारे पेट से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आज तक सरकारें इस पर स्पष्ट कानून नहीं बना पाई। आज भी एमसीडी की गाड़ी आती है और हड़कंप हंगामा मचा के चली जाती है। आज भी एमसीडी के लोग आते हैं, हफ्ता वसूल कर चले जाते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, वसूली हो रही है नहीं एमसीडी की? अवैध वसूली हो रही है नहीं? अगर कानून बन जाए तो अवैध वसूली पर लगाम लग सकता है। और कानून है लेकिन अमल नहीं हो रहा, कानून है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। तो ये सारी समस्याएं हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा है। इलाज काबिश गमखार क्या रुजू करते, हजार जख्म थे किसकी जगह रफू करते। आदर और सम्मान के साथ आपके सामने मैं उस शेर को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिस शेर की दहार से मनवादियों में मातम छा जाता है, और उस शेर का नाम आप सभी लोग जानते हैं जिन्हें एडवोकेट भानु प्रताप के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संघर्ष के आदि रहे हुए हमारे आदर्श, हमारे बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट भानु प्रताप जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे खड़े होकर। और